नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। स्वामी विवेकानंद अटल स्मृति पार्क चंदन क्यारी में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पुण्यतिथि पर भाजपा की ओर से एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के बोकारो जिला अध्यक्ष और विधायक समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रतिमा पर पुष्प देकर श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। स्वामी विवेकानंद अटल स्मृति पार्क चंदन क्यारी में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पुण्यतिथि पर भारतीय जनता पार्टी चंदन क्यारी द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भाजपा के बोकारो जिला अध्यक्ष भरत यादव, चंदन क्यारी के लोकप्रिय विधायक माननीय अमर कुमार बाउरी और धनबाद के यशस्वी सांसद माननीय पशुपति नाथ सिंह ने सैकड़ों कार्यकर्ता साथियों के साथ उनके प्रतिमा पर पुष्प देकर श्रद्धांजलि अर्पित किए। साथ ही साथ माननीय विधायक ने कहा कि आज जो झारखंड आंदोलनकारी का नाम लेकर झारखंड निर्माता कह रहे हैं वो सब ढोंग है, क्योंकि असल में झारखंड राज्य की देन अटल बिहारी वाजपेयी की है। ब्यूरो रिपोर्ट एचबीएन न्यूज। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का पुण्यतिथि है और अटल जी विश्व स्तरीय नेता रहे, देश के प्रधानमंत्री रहे, एक प्रखर वक्ता, आजाद शत्रु रहे और वह पूरे राजनीतिकों के लिए प्रेरणा स्रोत, देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत। उनमें राष्ट्रीयता, राष्ट्र के प्रति भावना कूट कूट कर भरा हुआ था। जब भी देश को आवश्यकता हुई तो पार्टी से ऊपर उठकर देश के लिए उन्होंने काम किया। भारतीय राजनीति के आजाद शत्रु स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वितीय पुण्यतिथि पर आज स्वामी विवेकानंद अटल स्मृति उद्यान में हम सभी लोग उनके आदमगत प्रतिमा के सामने उनको श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं और उनके सपनों का झारखंड, उनके सपनों का भारत बनाने की दिशा में उनको आगे बढ़ रहे हैं। आज इस झारखंड के निर्माता कौन होगा इसके लिए दावे पेश किए जा रहे हैं, लेकिन ऐतिहासिक तथ्य है कि झारखंड का निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एनडीए की गवर्नमेंट में आने के बाद 2000 में किया था, 15 नवंबर 2000 को। इसलिए अगर कोई किसी को यदि झारखंड का प्रणेता या झारखंड का निर्माता अगर किसी को कहा जा सकता है तो वह सर अटल बिहारी वाजपेयी। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए, जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट की घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन, मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करे विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, स्वभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126, संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।